हाथरस दलित पीड़िता मामले नूं लैके बटाला च आप पार्टी दे वर्करां वल्लों दलित पीड़िता नूं श्रद्धांजलि दिंदे होए केंद्र ते उत्तर प्रदेश सरकार दे खिलाफ कैंडल मार्च कढ़िया गया, जिन्हां वल्लों दोनां सरकारां खिलाफ जम के अपनी भड़ास कढ़ी गई। इस मौके प्रदर्शनकारियों ने जानकारी दिंदे होए दस्सिया कि दोनों सरकारां अते प्रशासन लोकतंत्र की हत्या करन की कोशिश लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो दलित पीड़िता दे लई इंसाफ नूं लैके हर आवाज नूं दबाउण दी कोशिश कर रहे हैं। इस दे नाल ही उन्हां कहा कि हुण जनता नूं ही अजिहियां सरकारां ते प्रशासन दे खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी पवेगी, तां ही इंसाफ दी उम्मीद जाग सकती है। अज जिहड़ा कैंडल मार्च कढ़िया गया, साडे भरा शहरी कलसी वल्लों सानूं कॉल आई सी, मैं खुद एक किसान हां प्रोफेशन तों, और चलो जिथे सानूं लोड़ पई साडे किसानां वीरां लोड़ पई सारे ही साडे नाल इकट्ठे होए, साडा वी राइट बणदा, साडा फर्ज बणदा कि जदों वी समाज ते इहो जिही कोई घटनाई आउंदी आ चाहे किसे दे नाल वी होवे असीं सारे इकजुट हो के उस लड़ाई नूं लड़ीए। यह जी घटना वापरी है उत्तर प्रदेश के औरत के नाल जिहड़ा जिस जिंदगी ने उसनूं मारिया गया, ये बड़ा ही बहुत माड़ी गल है, बहुत माड़ी सोच है। मेरी गुजारिश है सेंटर गौरमेंट तों और उत्थे दी सरकार वल्लों कि तुसी इन्ना भी जुल्म औरतों से ना करो तो लोगों को हुण घरों बाहर निकल के तुहानू सरकारां तों पुटना पवे, क्योंकि अगर पिछला इतिहास वेखिए शुरू तो यह काम हो गया, अजे तक सख्त कानून औरतों के रिगार्डिंग नहीं बनाया गया। जिन्ने चिर तक सख्त कानून नहीं बनाया जाएगा सिस्टम नहीं सुधरेगा, और मेरी बेनती है बॉलीवुड नूं और जो सिंगर गाने गा रहे हैं जो राइटर लिख रहे हैं, ये जी सोच गंदी पैदा हो रही है बच्चों तो लैके वड्डियां तक, ये बहुत वड्डा रोल जिहड़ा हॉलीवुड बॉलीवुड और जिहड़ियां जिहड़े राइटर ने इन्हां दे कारण ही ये सोच खराब गंदी सोच पैदा हो रही है। इस सिस्टम में बदलनी बहुत जरूरी है कि पहला बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा रोल अदा करना पैना, चंगी थीम चंगी फिल्म बनाया पैनिया ने, औरत रिलेटेड जो गंद दिखाया जा रहा तुम घर से बह के नहीं देख सकते, फिर तुम कि कह सकते हो कि अं एक वधिया समाज दे सकते हैं। शुरुआत करनी है बहुत जरूरी है कि सब तो पहला बॉलीवुड अगे आ के चंगिया फिल्मा बनावे, औरत का जो अक्ष खराब किया गया फिल्मों से उस अक्ष को ठीक किया जाए, यह लड़ाई इतों ही शुरू होती है। हुण जहर समाज से इन्नी बुरी तरह फैल चुका हुण संभव नहीं है कि बंदा कोई भी घर बह के सिस्टम सुधार लेगा, कानून बना सकते हैं, कानून फिर सख्ती ना बन बंदे टंगने पैने आ। जे तुसी आखो कि इन्हां नूं कोर्टां दे चक्करां च पा देंगे, ये डर जिन्ने चिर आपां पैदा नहीं करांगे ये सिस्टम नहीं सुधरना, औरतों के जुल्म इसे तरह जारी रहना। एक जिहड़ी बहुत ही माड़ी गल हुई है आपां सोशल मीडिया से देख रहे हो, लगातार देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जिहड़ी उस लड़की का परिवार आ उसनूं ईवन मीडिया नूं भी मिल नहीं दिता जा रहा। क्यों नहीं मिल दिता जा रहा, की कोई बहुत वड्डा गुनाह करता उस परिवार ने? राइट सारे दे, डेमोक्रेसी आ, डेमोक्रेसी ने हर बंदे नूं राइट आ, फिर एक कादी डेमोक्रेसी है, किहो जी डेमोक्रेसी दी तुसीं गल कर रहे हो कि मीडिया उस लड़की दा परिवार नूं नहीं मिल सकता? उत्थे पूरी गुंडागर्दी चल रही है, किसी नूं मिल नहीं दिता जा रहा। उस लड़की दा जो संस्कार है चोरी छिपे कर दिता गया, उस लड़की ने ऐसा किहड़ा क्राइम कर दिता सी, ऐसा किहड़ा गुनाह उस कुड़ी ने कर दिता सी कि उसनूं रातों रात तुसीं साड़ दिता? इट मीनस ये गल जाहिर होंदी आ कि तुसीं उहदे सबूत जिहड़े आ उह बड़े बरीकी तरीके नाल उहदे सबूत नूं तुसीं मिटाउण दी कोशिश कर रहे। अज इहदा मतलब दलित परिवार दा जिहड़ी धी आ रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई जी, उहदी जबान वढ दित्ती गई जी, उहदा डेड बॉडी परिवार नूं देण दी बजाए एक पुलिस ने आप उहदा संस्कार कर दिता। मैं कहना जी ये बड़ी निंदनयोग गल है और वड्डी गल उस परिवार नूं अज इंसाफ दवाउण दा जो प्रशासन नूं नाल खड़न दा समां सी प्रशासन उल्ट उहनां नूं धमका रहा, उहनां नूं कह रहा भी ये मीडिया वाले ये लोग जिहड़े ने ये चार दिन तुहाडे नाल रहणगे उस तों बाद अहीं रहांगे, बयान वो दिओ जिहड़े तुसीं दे सकदे। अज सिर्फ कैंडल मार्च कढ़न दा साडा मेन मकसद ही भी जिहड़ी सुत्ती होई मोदी सरकार आ उहदे कन्नां तक कितें आवाज पहुँचे भी उह क्यों इन्ना तानाशाही रवैया अपना रही है, क्यों इहदा मतलब भी आम लोगों की इत्थे जिंदगी का कोई मुल नहीं। सो ये कैंडल मार्च कढ़न दा तां अज इंसाफ की लोड़ है, उत्थे नाल खलोण की लोड़ आ, ते जे इहो जे बयान आउंदे ने ते तो घटिया होर की मैं कह सकता भी इहदे तो घटिया साडे कोल हुण शब्द तो उत्ते फिर गाली आ जे कोई निकले ते पर लख लांत है जे इहो जे उहनां ने बयान दित्ता। बटाला तो जितेंद्र कुंडल दी रिपोर्ट। जेकर तुसी मर्दाना कमजोरी तो हो परेशान, जिवें नसा की कमजोरी, सैक्स इच्छा की कमी, बचपन च कीतियां गलतियां, तांत, शिकर पतन, घट शकराणु जां पेशाब नाल विरज आउणा, तां हुण घबराउण दी नहीं लोड़, तुहाडी हर बीमारी का इलाज करनगे डॉक्टर ललित वर्मा। हुण कदों तक गुप्त रोगां नूं छुपाउंदे रहोगे? उम्र होवे 25 जां 80 साल, डर डर ना भटको, असीं करांगे सफल इलाज। अनेक डॉक्टर हकीमां तों पुड़ियां खा के तंग आ चुके मरीज अज ही आओ, ताकत जोश अते जवानी लई आखरी उम्मीद।
वर्मा आयुर्वेदिक दवाखाना नाइयावाला चौंक फगवाड़ा। हुणे फोन करो 98144-6471 98150-6471।